दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गर्म पानी की कुंड साइड जा रहे हैं। उसके पहले ये व्यू देखिए, पहाड़ जो कि राजगीर में स्थित है, काफ़ी भव्य नज़ारा है। हम लोग सभी दोस्त यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भव्य, एकदम सुंदर, काफ़ी ज़्यादा मनभावन दृश्य हम लोग को दिख रहा है। मित्रों, हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं आजाद शत्रु, जो कि प्रथम बौद्ध संगीत करवाए थे। आप लोग देख सकते हैं उनका स्तूप है ये, जो कि राजगीर में ही है। काफ़ी भव्य नज़ारा है यहाँ का। हम लोग राजगीर बिहार में घूमने आए हैं। जैसे हम लोग धीरे धीरे पहाड़ जा रहे हैं, इधर भी देखिए पहाड़ है। हम लोग पहाड़ पे लोग जा गए, कुछ देर में हम लोग शांति स्तूप पे, शांति स्तूप देखने के लिए पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो उसका वीडियो अलग से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अभी एंजॉय करिए। ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हर हर महादेव चाय मिष्ठान की दुकान पे हम लोग चाय पीने के आए हैं, जो कि मटके में धूप भरा जाना, काफ़ी अच्छा धूप है। आप लोग देखिए पूरा वीडियो, मज़ा आएगा। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ब्रह्म कुंड द्वार के पास आ गए हैं। यहाँ से एंट्री करेंगे, अंदर आके देखेंगे क्या वाकई यहाँ का पानी गर्म होता है या लोग अफवाहें उड़ाते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या होता है क्या नहीं। जैसा कि दोस्तों हम लोग एंट्री करने वाले हैं ब्रह्म कुंड द्वार से, आप लोग देखिएगा आगे का व्यू। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा। देखिए यहाँ पे भीड़, यहाँ पे नहाने के लिए शैम्पू साबुन सब बिक रहा है, जो कि तो लेना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी कुंड को, गंगा को पवित्र करना है तो हम साबुन शैम्पू इन सब का यूज़ नहीं कर सकते। घर में आप यूज करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर आए अगर साफ़ रखना है कुंड को तो शैम्पू साबुन ज़रूरी नहीं है कि हम यूज करें। हाँ, अगर मदद करनी है तो उन गरीबों की मदद कर सकते हैं, दो चार रुपये देकर, दो चार रुपये के बदले कुछ अनाज खाने के योग्य चीज़ें दे दीजिए, वो सबसे मुख्य रूप से अच्छा माना जाएगा। तो हम लोग देखिए द्वार के अंदर घुस चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। गर्म कुंड की तरफ बढ़ते हुए नीचे जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बताया जाता है कि पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी इलाका है तो कहीं से सोर्स से पानी आता है, जो कि बहुत ही गर्म होता है, नहाने योग्य होता है। यहाँ पे आके लोग बहुत ही अच्छे से नहाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गर्म पानी गिर रहा है अंदर। देखिए गुरु, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है जहाँ लोग नहा रहे हैं। अब भाई अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते, वीडियो बना नहीं सकते, बट बाहर से आप लोग को व्यू दिखा दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भाप के द्वारा गर्म पानी निकल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यू। गर्म पानी का कुंड है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये कुंड के बाहर का दृश्य है, यहीं से लोग ऊपर से साइड से एंट्री किए थे। ये कुंड का पूरा व्यू है भाई, काफ़ी मज़ेदार व्यू है। हम लोग जरूर आएंगे दोबारा यहाँ पे नहाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, देखने के लिए। यहाँ खुलने का समय सुबह 4 बजे है, टाइम रात्रि का तो पता नहीं बट काफ़ी प्यारा, काफ़ी प्यारा यहाँ का व्यू हम लोग को नज़र आया है।
काफ़ी अच्छा कुंड का व्यू है, देख सकते हैं कितना गर्म पानी आ रहा है, लोग नहा रहे हैं बाप ले लेके। कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बाहर की तरफ निकल रहे हैं गर्म कुंड के पानी से होते हुए, अब हम लोग पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं वो पानी का ही स्रोत है जो कि इधर ही से नीचे से जा रहा है, धुआं दिख रहा है, यहाँ भी गर्म आँच आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहीं से जा रहा है, ये पहाड़ियों के ऊपर से पानी आता हुआ।